गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू येट अनदर लेक्चर फ्रॉम सागर कॉलेज ऑफ साइंस। तो छुआ मने आमे मने प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल पढ़ुथिले आउ लास्ट क्लास रे मु तुमको डेफिनाइट इंटीग्रल रो गुटे प्रॉपर्टी टे सिखेइथिली जो प्रॉपर्टी रे कि आमको चेक करिवा पई पड़े जे से फंक्शन टा इवन फंक्शन ना ऑड फंक्शन बोली कि इवन ऑड मु एतिपाई चेक करिबी काहेकि हमरो माइनस ऑफ सम वैल्यू रु प्लस ऑफ सम वैल्यू पर्यंत से इंटीग्रल टाकु इवैल्यूएट करिबा पई हमकु दिया हेछि। सेइ समय रे मोर मस्ट ए गुटे कामटा करिबा पई पड़िबो कि इवन आउ ऑड चेक कर दबा काहेकि जे कोनोसी बसत जदि आमे पाई गले जे एटा गुटे ऑड फंक्शन बोली ताहले आउ तारो इंटीग्रेशन छुआ मैंने आमको करिबा को पड़िबो नहीं। आमरो तारो इंटीग्रेशन रो मूल्यटा केते हबो जीरो हबो। ओके तो चलो से भलिया आज आउ गुटे प्रॉपर्टी डिस्कस करिबा। ठीक से भलिया आउ गुटे प्रॉपर्टी अछि सेटा हला छुआ मैंने एटा केते नंबर प्रॉपर्टी जाइतला रे छाइला कि जितकी जहाँ भी हूँ तुम लिखिदेव से अनुसार है तो प्रॉपर्टी जानवाटा इम्पोर्टेंट के नंबर प्रॉपर्टी तार किसी इम्पोर्टेंट नुह से छाइला जदि यहाँ सात हे तो सी कौन कौच देख छ मैंने इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स एबे जो लिमिटा अच्छी सेटारो लोअर लिमिटा होची जीरो किंतु अपर लिमिटा होची छुआ मैंने केते टू ए। ओके तो जीरो टू टू ए एफ एक्स डी एक्स टा हेब टू इंटू जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इफ एटा सबु बेले हबनी केते बेले हब से हब इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जदि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स टा एफ ऑफ एक्स सहित समान हला ताहले जाई के हमें कहि परबा जे 0 टू 2a रो मूल्य टा हब 2 गुणन 0 टू a एफ एक्स डी एक्स माने 0 टू 2a पर्यंत इंटीग्रेशन न करी कि आमे कौन करिबा कि 0 टू a पर्यंत इंटीग्रेशन करिबा आउ जहाँ आंसर आसीबो ताकु दी गुण द्वारा कर दबा हला। दैट इज द मोटिव ऑफ दिस प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी टा जत्ते बेले आमे व्यवहार करिबा तमे आहुरी टिके क्लियर हे जिवो छ माने कथाटा हला। अच्छा आउ आर मूल्यटा हबो छ माने पुणी 0 हबो केत्ते बेले 0 हबो इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स एटा भी होची से इवन ऑड भलिया प्रॉपर्टी। इवन ऑड रे आमर जो भलिया कांसेप्ट थिला एठी भी से भलिया कांसेप्ट अछि सेठी केवल एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स थिले इवन होतला एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स थिले सेटा ऑड होतला एठी एफ ऑफ माइनस एक्स न हे कि एफ ऑफ 2a माइनस एक्स टा होची एफ एक्स रो सहित समान एफ ऑफ 2a माइनस एक्स टा होची माइनस ऑफ एफ एक्स रो सहित समान। क्लियर दिस इज ए वेरी इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी। आउ ए प्रॉपर्टी टा कोनसी जगह रे बाटर रे बहुत थर आसे आमे जत्ते बेले इंटीग्रेशन गुटे करू थाउ रास्ता रे बाटर रे ए इंटीग्रेशन टा सबु बेले धीरे धीरे करके ना आसे आम पाक आउ आमे तारो मूल्यटा को ए भलिया पके कि ना करू हला। गुटे जस्ट एग्जांपल नबा ए प्रॉपर्टी टा को सपोर्ट करिया पाई मने कर मते छ माने दिया है छि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाए साइन एक्स डीएक्स तो तमे कहिबो सर आमे एठी काहे कि प्रॉपर्टी पकेबा एठी तो साइन रो हेबो माइनस कॉस डायरेक्टली 0 टू पाए पके देले हेबो नि कि आंसर हला हेबो किंतु मु गुटे सहज क्वेश्चन टे बाछी छी तमकु एई प्रॉपर्टी टा बतेबा पई हला। नॉर्मली जदि एटा आसीले तमे एटा को डायरेक्ट करिवो किंतु एई भलिया आहुरी बहुत क्वेश्चन अछंती जो जागा रे कि एई प्रॉपर्टी टा पढ़ी परिवो तो ता पूर्वरु सेति पई आमे कोन करू छी जे गुटे सहज क्वेश्चन टे नै किना ताकु
देखुचे जे एठी सही प्रॉपर्टी टा केमिति पडुची देखो छ माने एटा हला अच्छा एबे मो पाखरे जो एफएक्स अछि एफएक्स टा केते अछि छ माने साइन एक्स अछि एबे पाए को कोन मु लेखि परबि 2 × π/2 ध्यान दियो एटा होची बहुत इंपोर्टेंट कांसेप्ट पाए थिला 0 to π थिला ताको मु कोन लेखि परबि 2 × π/2 मु एमती काही के लेखिली 2 × π/2 काही कि ना मते एही जिंसटा को 0 to 2a रो रूप देवार अछि 0 to 2a रो रूप देवार अछि तो पाए थिला तो 2 गुटे गुणन कर देली आ 2 गुटे हरण कर देली तो एटु एतकी जिंस हेइ गला का सहित समान ए सहित समान हेइ गला छ माने आ एटा केते हेइ गला 0 to 2a फॉर्म को एटा पळे आसला ठीक अछि अच्छा एबे f ऑफ पाई माइनस x माने 2a माइनस x काहे की पाई टा होची केते 2a कहि की मु प्रमाण कर दे छी एटी तो f ऑफ 2a माइनस x टा हे जीवो sin ऑफ पाई माइनस x हे जीवो छ माने sin ऑफ पाई माइनस x sin ऑफ 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू केते sin थीटा सहित तो समान हे जाउ छ माने तो sin ऑफ किंबा f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x सहित तो समान हे गला छ माने देखो f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x ताहले एई इंटीग्रेशन को हमें केमिति लेखि परबा एटा को लेखि परबा 2 गुणन 0 to π/2 sin x dx जोटा 0 to π sin x dx थिला सेटा को हमें लेखि परबा 2 गुणन 0 to π/2 sin x dx काहे कि sin x आमर ए कंडीशन को सटिस्फाई कर जाउची sin x रो केस रे f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x हे जाउची जदी लिमिट निया होची 0 टू पाई पर्यंत राइट सेई केस रे देखिबा cos x रो कथा टिके देखिबा छ माने मने कर मते सेई क्वेश्चन दिया हे थांता 0 टू पाई दिया हे थांता cos x dx दिया हे थांता ताले fx equals to केते ही थंता ही थी fx is equal to cos x f of minus x केते ही थंता तो आंसर हला cos of minus x है थंता हला सॉरी मु एठी टिके भूल कर देली छ माने एक्सट्रीमली सॉरी f of pi minus x ता ही थंता केते cos of pi minus x cos of 180 minus theta टा हो छि छ माने minus cos theta तो ये हे गला minus cos x जदि ये minus cos x हे जाउ छि तो ये minus of f of x हे जाउ छि तो f of pi minus x ता समान हे जाउ छि का सहित minus of f of x र सहित ओके जदि एटा हो छि छ माने तो मु कोन करि परबी cos x टा एई कंडीशन को सटिस्फाई करू छि जदि ए कंडीशन को सटिस्फाई करूची तो सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos x dx इज इक्वल टू 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई cos x dx इज इक्वल टू केते 0 होची एटा बहुत बहुत दरकार तमरो फिजिक्स रे गुटे चैप्टर अछि अल्टरनेटिंग करंट तो जत्ते बेले आमे अल्टरनेटिंग करंट पढ़िवा सेठी आमे ए सब इंटीग्रेशन आम पाकु बहुत थर आसीबो जत्ते बेले आसीबो आमे आउ ताकु सॉल्व करिवानी आमे डायरेक्टली कर दवा जे तारो इंटीग्रेशन टा हेबो एतकी बोली ओके तमे डायरेक्ट भी करिकि देखुनो 0 टू पाई cos x dx रो मूल्यटा 0 ही आसीबो cos रो इंटीग्रेशन हे गला sin आउ तमे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पके दियो तो ये आसिला साइन पाए माइनस साइन जीरो साइन पाए टा हला जीरो साइन जीरो टा हला जीरो तो टोटल आंसर टा है जो ची कहते छ मने जीरो किंतु हम को एतिके भी करिया पई पड़ी बनी हमें देखिले 0 टू पाए अछि f ऑफ 2a माइनस x टा माइनस ऑफ fx सहित तो समान अछि तो तार मूल्य टा केते हबो जीरो हबो बुझी हला ना नहीं हां ओके नेक्स्ट दिस इज द प्रॉपर्टी ओके
चलो एबे ए प्रॉपर्टी को नहीं कि गुटे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टे करबा छ माने सेटा परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू पाए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट तो टिके ता विषय रे आज मु डिस्कस करबी और नेक्स्ट क्लास रे हमें एक्सरसाइज टा करबा हला एक्सरसाइज रे तमरो जेतकीटा क्वेश्चन दिया है छि सबु छुआ प्रतिटा क्वेश्चन सॉल्व करबो कहीं एठारु जहाँ किछि भी है जो हमरो गुटे क्वेश्चन पड़ी परीक्षा रे हला तो तमें सेति पाई जो बारटा ना पंद्रटा मात्र क्वेश्चन दिया है छी सही बार कि पंद्रटा क्वेश्चन को टिके भला से हला प्रैक्टिस करिवो राइट ओके तो छुआ मैंने आमरो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डिस्कशन हला यस इंटीग्रेशन ऑफ बहुत इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log sin x dx वेरी वेरी इम्पोर्टेंट आउ इंटरेस्टिंग जिनस एटा हला जे आर ए इंटीग्रेशन रो आंसर टा जति की आसीबो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log cos x dx रो भी आंसर टा ठीक सति की आसीबो तो एटा रो उत्तर टा जति की आसीबो एटा रो उत्तर भी सति की आसीबो आगे चलो आमे बाहर करिबा जे ए मनकर उत्तर टा केते आसीबो तापरे आमे ए मनकु हमरो फार्मूला रो लिस्ट रे शामिल कर दबा माने इनक्लूड कर दबा हला तो आमे हमरो एटा काहे कि ना आमे गुटे बड़ इंटीग्रेशन कला बेलकु मझी रे जदी ये आसी जीवो ताले आमे डायरेक्टली आ बदला रे तारो फार्मूला टाकु पुट कर दबा तो एटा मु केवल प्रॉब्लम गुटे करु नहीं एटेरी मु दुईटा जिंस बुझेबा पई चेष्टा करछि जे एटा प्रॉब्लम हेबा सहित एटा निज तरफ रु गुटे फार्मूला टे एई फार्मूला टा जत्ते बेले हेले भी आमे परवर्ती मुहूर्त रे आमे जत्ते बेले हेले भी ताकु आमे यूज करि परिबा आ सेकंड कथा मु बुझेबा पई चाहूछि जे ln sin x 0 to π/2 रो मूल्यटा जेतिकी आसीबो ठीक सेतिकी आसीबो ln cos x 0 to π/2 रो मूल्यटा भी सेतिकी आसीबो तो ए दुईटा जिंस टिके वेरी इंपोर्टेंट यू हैव टू नोट इट डाउन ओके एबे चलो आमे सॉल्व करिबा तो सेही पुणी एक्सीलेंट ट्रिक जे अछंती ताकु मु कहूची एई क्वेश्चन रे देखो एमती अच्छी एटा जेहेतु गुटे डेफिनाइट इंटीग्रल तो दरकार पड़ू न पड़ू मु ताकु आई नै जिवे बुझला तो मु एटी कोन करबी लेट ध्यान देकी देखिबो एटा बड़ प्रॉब्लम टे एटा लॉन्ग क्वेश्चन पड़े लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 to π/2 ln sin x dx राइट एतकी हे गला एटा को मु नै जिबी इक्वेशन 1 इक्वेशन देले कोन हबो छ माने आमे हजीबानी कोठी गुटे नले खोजु तो बाहर एटा मु कोठी रखितली कहि गे हला अच्छा नेक्स्ट एबे मु एती प्रॉपर्टी पकेबी केते हबो आल्सो आई इज इक्वल टू को प्रॉपर्टी टा पकेबी के कहि परिबो यस लोअर लिमिट टा 0 अछि अपर लिमिट टा ए अछि ना किछि अछि तो एफ ऑफ ए माइनस एक्स रो प्रॉपर्टी टा पकेबी तो ये केते हे जबो ln sin पाई बाय 2 माइनस एक्स इनटू डीएक्स एटी मु कोन कली सेटा लेखि देबी मु जहा भी कली कोन कली जेहेतु 0 टू ए एफ एक्स डीएक्स कैन any time be written as 0 to a f a minus x dx jehetu mu je konasi muhurta re emti kari paribi to eti moro ichha hala mu eti kari deli eta ko okay ebe next step re kete hobo sin pi by 2 minus x ta he jibo chho mane cos x to moro I ta he jibo I is equal to integration of 0 to pi by 2 log cos x dx सेति पई मु कहतली जे दि जण कर मूल्य समान बाहरिबो कहि गरी काहे कि
जदि तुम्हें ये कस करूँ तो पर स्टेप ये सैन आसी था आम ये सैन करुचु तार तीन नंबर स्टेप पुणी कस आसी जाऊँ तो से बोथ द प्रॉब्लम्स आर सेम ऑन द आईज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल। ओके तो यहाँ हो गला छुआ मैंने यही दुईटा जिनस आगे आम नोट करदे कौन कौन कले जापार ये है मोर क्वेश्चन मो आई नहीं गली पुणी यही क्वेश्चन रे सही प्रॉपर्टीटा पकईदेली से प्रॉपर्टी पकई सारापर मो पाखे एतिकी आसीगला जहाँ भी आसला मुझे गोटे इक्वेशन रे बांधिकिना रखिदेली एतिक पर्यंत मोर गोटे कामटा सरला एबे मु कौन करी ए दुईटा इक्वेशन को ऐड कर देबी। ओके तो कौन करी मु मिटे दोची एडिंग इक्वेशंस वन एंड टू। ओके तो लेफ्ट साइड रे हे गला आई प्लस आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू केते हला लॉग साइन एक्स डीएक्स प्लस जीरो टू पाई बाय टू लॉग कॉस एक्स डीएक्स। प्रोबेबली द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल प्रॉब्लम टा तुमको कितने जिनस सिखेबो देखिबो एते जाए तुम्हें सीखी सारी छो कि गुटे प्रॉपर्टीटे पड़ा तापर पुणी ये लॉगरिदम भी आमको साहय कर ट्रिग्नोमेट्री भी साहय कर सब प्रकार फंडामेंटल क्लियर करदेव गोटे छुआर ये प्रोब्लेमटा यहाँ से मत बहुत भल लगे ये प्रोब्लेमटा कहीं प्रोब्लेम कर सर गोटे छुआटे तीन टा ना चार्टा भेरटी अफ जिनस से सीखीज ये जगार हला कि केमती लॉगरिदम रो सहाय्य नेबा केमती ट्रिग्नोमेट्री रो सहाय्य नेबा केमती प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल रो सहाय्य नेबा ए सब जिनस से क्लियर हो जाय जगार। ओके एतिक हे गला तापर हमें नेक्स्ट स्टेप रे जोटा हमें पूर्वरु भी करथले छ माने 2i इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 हे गला मु दी थर अलग अलग इंटीग्रेशन काहे कि करबि जेहेतु लिमिट ता दीटा जक इंटीग्रेशन पई समान अछि तो मु गोटे इंटीग्रेशन रे सारेपाई चेष्टा करी तो ये हो ना लॉग साइन एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डीएक्स। ओके एबे एबे मु कौन करी तो एबे मु लॉगरिदम पाक जी साहय मागेपी कि अरे एटा हूँ लॉग ए प्लस लॉग बी तो एटा को मु लिखि दे पारिबी लॉग ए गुणन बी ताले केते हे जीव छ माने एटा एटा हे जीव 2i ये हे जीव इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 ये हे जीव केते ना लॉग साइन एक्स इनटू कॉस एक्स इनटू डीएक्स हबो कि नहीं लॉग ए प्लस लॉग बी टा केते हे जीव छ माने लॉग ए गुणन बी हे जीव किंतु तमे कहबो सर एमिति करी कि हमर लाभटा कोन हला एठी तो कम से कम दुईटा इंटीग्रेशन थिला एटा तो फंक्शन टा आहुरी टिके कष्ट हे गला तो आंसर हला मन पकाओ आमे जत्ते बेले तीन नंबर चैप्टर ना किति कि माने कोटा भी गुटे जो पढ़ुले ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी उपरे तो मु तुमको गोटे कथाटे सिखेली कौन सिखेली कि जत्ते बेले भी तुम्हें गोटे इंटीग्रेशन टे करुछ आउ सेई इंटीग्रेशन रे तुम्हें देखिबा पई चेष्टा पाइल जे साइन रो पावर जेतिकी अछि कॉस रो भी पावर सेतिकी अछि आउ दुई जन कर एई मूल्य गुड़ी को भी समान अछि ताले कौन करिवो बोली मु सिखेली टू टे गुणन करिवो आउ टू टे हरण करिवो किंबा तुम्हें साइन ये जिनसटा को मु तुमको गोटे फर्मूलाटे सिखेली कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज हाफ इंटू साइन टू एक्स सिखेली कि नहीं
सही कॉन्सेप्ट आम ये यूज करवा तो ये केते ये हो टू आई इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू के जिनस गोटे प्रॉब्लम रे देखी देखी चल यटा को मुपरि के लॉग साइन टू एक्स डिवाइडेड बाय टू करहब कि नहीं छुआ मैंने ऑलरेडी आम जा सारी जे साइन एक्स गुणन कॉस एक्स टाकू आम लिखिपर हाफ इंटू साइन टू एक्स तो ये रेफरेन्स देदेव तो ये भी रेफरेन्स देदेव कौन देव सिंस लॉग ए प्लस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए इंटू बी राइट आईटी कौन लिख ट्रिग्नोमेट्री रेफरेन्स देव सिंस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स कि हाफ साइन टू एक्स से आम एमती लिखिदे पारे कहीकि तुम्हें प्रतिटा स्टेप रे बुझे बुझे चलो कहीं कहीं साइड रे तुम लेखी लेखिका चलो तुम आंसरटा बहुत भल दिस मार्क कटिवार पॉसिबिलिटी बहुत कम हे से जगार ओके एति पर्यंत आसिले छो मैंने पुणी आउ थे मत बोर्ड को मिटेवाई पड़ो तो तब तक तुम गोटे थर बोर्ड मुटे सारी मु बुझेवाप चेषा कर गोटे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन टे परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू पाई थरे ब्लैकबोर्ड मिटेली पुणी आसिकी एतकी पर्यंत पहुँचिली आउ थरे एबे मु ब्लैकबोर्ड मिटेबी ध्यान देकी देख हाँ समस्ते एटा नोट डाउन कर दियो एबे हला तो नेक्स्ट छुआ मैंने मो पाखरे आसिची केते ना मो पाखरे आसिची टू आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाय टू लॉग साइन टू एक्स माइनस लॉग टू एटा कहीं हला एटी मु पुणी लॉगरिदम रो गुटे प्रॉपर्टी टा पकेली कौन पकेली लॉग ऑफ साइड रे लिखिबो लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी ओके हला एबे मु ए इंटीग्रेशन को पुणी दी भाग करी देखो छ माने मु कोन करी ये हे जिवो 2i इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 ये हे गला लॉग साइन 2x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 ln 2 इनटू dx ए इंटीग्रेशन टा तो बहुत इजी ए ln 2 टा हला छ माने कांस्टेंट ए ln 2 टा को बाहर कर देबा आउ केवल dx रो इंटीग्रेशन रे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पके देबा सही जगह रे ओके एबे मेन कथा हला ए इंटीग्रल को करिवार अछि मते हला ध्यान देकी देखिबो केते जिंस आमे सिखिबा एटु ए इंटीग्रेशन वर्तमान करबा को हेले मते पुणी सब्स्टिट्यूशन रो सहाय्य नेबा पई पड़िबो तो एई जगह रे मु कोन करबी लेट 2x इज इक्वल टू नेजबी छ माने z तो 2dx टा हे जिवो छ माने केते dz ताले dx टा हे जिवो 1/2 इनटू dz एतकी पाइली किंतु पुणी जेहेतु डेफिनाइट इंटीग्रल रे मु सब्स्टिट्यूशन यूज करूची पुणी ध्यान देकी देखो केतेटा कथा बाहरुची ता भितरु डेफिनाइट इंटीग्रल रे मु सब्स्टिट्यूशन यूज करूची तो एक्स्ट्रा कोण करिया पई पड़िबो ना लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को मध्य चेंज करिया पई पड़िबो जेड अनुसार तो एटी आमे लेखिबा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 जेड इज इक्वल टू 0 व्हेन x is equal to pi by 2 तो z is equal to pi हे जीवो तो मैं नीचे देखो x जगह रे 0 पकेले z भी हे जीवो 0 x जगह रे pi by 2 पकेले z हे जीवो pi हला एबे देखो छ माने कोन हबो ताले ए इंटीग्रेशन टा मोर हे जीवो 2i is equal to integration of 0 to pi ln साइन जेड इंटू डी जेड आसला ये गोटे हाफ मध्य गुणन हो हाफ साइन लॉग साइन जेड इंटू डी जेड एबे माइनस
इंटीग्रल ऑफ जीरो टू पाई बाय टू ये तो अलग इंटीग्रेशन आम आ कथा पर बुझा आ कथा आम जिते बड़े चाहिए से बुझीपर कहीं इंटीग्रेशन टा एकदम सहज मेन है ये जिनसटा ओके एबे गोटे कथाटे बुझौची टिके बुझिबापै चेष्टा कर एटा ए इंटीग्रेशन बदला रे मो आई लेखि देई पारि थांती ए इंटीग्रेशन बदला रे मो आई पके देई पारि थांती किंतु पके पारिबिनी काहे कि ना एति पई काहे कि आमर आई रे लिमिट टा थिला 0 टू पाई बाय 2 किंतु एठी लिमिट अछि केते 0 टू पाई 0 टू पाए तो ये जिनसटा टिके मते बुझिबार अछि ए जगह तो नेक्स्ट स्टेप रे मु कोन करबी टिके ध्यान दे कि देखिबो जोटी मोर भूल हबो मते कहिबो तो नेक्स्ट स्टेप ध्यान दे कि देखो नेक्स्ट स्टेप रे हेइ गला 2i समस्ते ध्यान दे कि देखिबो इज इक्वल टू हाफ गुणन 2 गुणन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin z dz minus integration of 0 to pi by 2 log 2 dx एटा कौन है गला सार मनो इच्छा जहाँ परी तहाँ कहीं लिखी दो चंती तो आंसर है ला मैथमेटिक्स रे कौनसी जिनसा तुम्हें बिना कारण रे लिखी परी बनी जदि एटा एमती लेखा हला तो ता पछरे कारण अछि कोन कारण अछि देखो मोर एटी एफ जेड टा केते थिला जहार इंटीग्रल चली थिला सेटा हला एलएन साइन जेड थिला ना नहीं एबे मोर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन केते थिला 0 टू पाई थिला मु ताकु लेखि देई परिबी 2 इनटू 0 टू पाई बाय 2 लेखि देई परिबी कि एटाकु ताले ए बदला रे केते हला पाई बाय 2 तो ये 0 टू 2 ए फॉर्म को पळे आसला 0 टू 2 ए फॉर्म को पळे आसला तो केते हला f ऑफ पाई माइनस z इज इक्वल टू ln sin पाई माइनस z हला आ sin पाई माइनस z टा हे जाउची sin z ताले ये हे जबो f ऑफ पाई माइनस z is equal to b हे गला ln sin z आ जदी हेत की हला तो f ऑफ पाई माइनस z टा f ऑफ z सहित तो समान हे गला देखो जत्ते बेले भी f ऑफ 2a माइनस x टा f ऑफ x सहित तो समान हे जिवो जस्ट जो प्रॉपर्टी तुम मन को मु बुझैतिली सेही समय रे आमे कोन करबा 0 टू 2a fx dx टाकु लेखि देई परिबा आमे 2 इनटू 0 टू a fx dx सेही जिंस टा मु करिछि log sin z टा हला सेही फंक्शन जे की सैटिस्फाई करूछि सेही प्रॉपर्टी टाकु को प्रॉपर्टी टाकु कि f ऑफ 2a माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x रो प्रॉपर्टी टाकु सैटिस्फाई करूछि के ए जो फंक्शन जहार इंटीग्रेशन मते बाहर करिवार अछि जेहेतु से सैटिस्फाई करूची तो मु 0 टू पाई लिमिट न नै कि मु नै जाई पारिबी केते 2 गुणन 0 टू पाई बाय 2 माने लिमिट ता अधा हि जिवो आ ता सहित गुटे दुईटे गुणन हि जिवो जस्ट जो प्रॉपर्टी ता मु बुझौतली सेटा केमिति गुटे क्वेश्चन रो बाट रे आसी गला देखो मु कहितली एई क्वेश्चन ता बाट रे आसीबो कहिकि देखो एटा बाट रे आसी गला एई स्टेप परे एई स्टेप ता हला बहुत बहुत इंपोर्टेंट छ माने ओके तापरे आमर ऑलमोस्ट आंसर आसी गला देखो ये 2 2 तो कटि जीव तापरे कोन हबो देखो टू टू कटि गला मो पाखरे आसिला 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx minus 0 to pi by 2 log 2 dx भूल लिखि देली कि छ माने किछि गुटे भूल लिखि दै छी ना कोन लिखि छी log sin z dz हवा कथा मो ताकु लिखि दै छी केते sin x dx एटा भूल ना ठीक तो आंसर हला ठीक काहे कि
एक नंबर प्रॉपर्टी को मन पकाओ नेचर ऑफ़ द फंक्शन जदि समान थी तो डेफिनाइट इंटीग्रल रे जेड थिले जेतकी आंसर आसीब एक्स थिले सेतकी आंसर आसीब ए गुटे क्वेश्चन भितरे केतेटा प्रॉपर्टी आमे पके साइलेनी देखता ता भितरे लॉगरिदम रो प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्री रो प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन रो प्रॉपर्टी केते कथा आमे करि साइलेनी देखो एटी अच्छा ताहले एटा हे जबो एटा जे कोनोसी मुहूर्त रे sin z dz log sin z dz को log sin x dx लेखा हेई परिबो जेहेतु लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन समान अछि आ नेचर ऑफ द फंक्शन भी समान अछि एबे एटा तो टिके देखा देखा भलिया लागु छ छो माने एटा कोन अरे एटा ही तो सही क्वेश्चन जहार आंसर आमे खोजिबा पई जाउथले एमती बहुत थर आम सहित हे सारी छि कि आमे गुटे क्वेश्चन रो आंसर खोजिबा पई जाउथबो आ एते कथा करि साइला परे पुणी सही क्वेश्चन टा आमो पाकु पळे आसीबो सही केस रु आमे बंचिबा पई कोन करे कि से क्वेश्चन को आई नै जई थाए आ जेते बेले आमो को जणा थिबो जे से पुणी आउ थरे आमो पाकु आसीबो ता बदला रे पुणी आउ थरे जेते बेले आमे ताकु सही क्वेश्चन भितरे देखिबा आमे ता भितरे रे आई पके दबा बुझियला तो एटा केते हबो 2i is equal to integral of 0 to pi by sorry भूल गेला तो 2i is equal to आ बदला रे केते पके दे परबा एटा हे जबो i minus ln 2 बाहर को नै गली मु इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 ओनली डीएक्स एबे ए आई टाकु एपट को आनी पकेबा तो एपटे आसी गला 2i माइनस i एमिति न कले ए इंटीग्रेशन रो आंसर टा आमे जीवन रे केबे बाहर करि परिबानी काहे कि तमे गुटे पेज करि साइला परे पुणी क्वेश्चन टा फेरि जाउची तो केमति लागिवो तंगु अरे ए पुणी क्वेश्चन आसी गला आ गुटे पेज करि साइला परे पुणी क्वेश्चन आसीबो तो एटा को एंड करिवा पई आमो पाखरे गुटे बाट थाए ताकु आमे आई नै किना सॉल्व करू तो एटा 2i माइनस i टा हे जिवो माइनस ln 2 आ इंटीग्रेशन ऑफ dx हे गला x एटी मो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पके दली तो ये हे जिवो पाई बाय 2 माइनस 0 ताले केते हे जिवो 2i माइनस i टा हला i इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 इनटू ln 2 दिस इज द फॉर्मूला यू नोट इट डाउन कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx किंबा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log cos x dx रो फॉर्मूला हला माइनस पाई बाय 2 ln 2 ए माने जोठी भी आमा पाकु आसीबे आमे तांको बदला रे सही फार्मूला टा पके दबा काहे कि तांको पुणी सॉल्व करिवा पई जीवो तो तमे देखी सारी छ मु चार थर ब्लैक बोर्ड मिटेली म तमे जदी खाता रे करिवो डेढ़ पेज खंडे हबो खाली ए इंटीग्रेशन टा बुझे बुझे का कले हला तो सेति पई एटा गुटे फार्मूला हिसाब रे नोट कर दियो इंजीनियरिंग पढिला बेलकु भी एई जिंसटा बहुत थर तम पाकु आसीबो आउ क्लास 12th रे त आसीबो ही आसीबो सेतिपाई आमे एई गुडा को टिके नोट कर दबा वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मु तमकु एटा गुटे फार्मूला रूप रे नोट करे कि देखे दउची सेटा हला इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 log sin x dx is equal to have a minus pi by 2 ln 2 आउ सेटा समान है जीवो integration of 0 to pi by 2 ln cos x dx रो integration सहित भी समान है जीवो this is a very important formula you will need it so many times when you if you want to pursue btech you will need it sometimes when you are solving definite integrals in your class 12 thik achi chho mane eita hela gute bahut important formula jaha phalare ki ame bahut gudiko property ra revision he gala amara okay right ebe
लास्ट आउ गोटे प्रॉपर्टी अच्छी छुआ मैंने से आम टिके देखी दबा से कौन कहे से जो प्रॉपर्टी टाकु पढ़ा को हेले आम को गोटे फंक्शन विषय पुणी पढ़ापी पड़ो से फंक्शन टा भी हाँ देख छुआ मैंने मु बार बार से गोटे कथा कहे जदि तुम बीटेक कर तो यहाँ दरकार पड़ो कहीं आम मैंने से देखीचु कि ये जिनसटा ये दरकार पड़े कहीकि प्लस टू तो से प्लस टूर यही कनसेप्टा बीटेक रही जगार दरकार पड़े कहीकि आमको जना अच्छी से कथाटा हाँ आम पढ़ला बेलूगुड़ा सब बार बार आसूला एगुड़ा न आसिले तुम्हें बहुत क्याकुलेसन अटकी जीव हला एबे भी मु जो फंक्शन टा सिखेबा पई चेष्टा करूची सही फंक्शन रो ना हला पीरियोडिक फंक्शन इवन ऑड सहित ये भी गुटे इंपोर्टेंट कथाटे इवन फंक्शन ऑड फंक्शन सहित आ गुटे जिंस गुटे छुआ को जानिथिबा कथा तारो ना हला कोन पीरियोडिक फंक्शन ओके तो पीरियोडिक फंक्शन रो डेफिनेशन कोन देख टी इज सेड टू बी The period किंबा एमती न लेखिकी गोटे अलग प्रकार लेखिबार डायरेक्ट लेखिबा एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ए पीरियोडिक फंक्शन With period capital T, if f of x plus capital T is equal to f of x for all x belongs to real number, right? पीरियड रो माने टा कौन देखो छो मैंने पीरियड रो माने हला कि से टाइम इंटरवल जहाँ परे कि गुटे फंक्शन निजर मूल्य टाकु रिपीट करिवो राइट जनरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस गुड़िक होउचंती पीरियोडिक फंक्शन काहीं कि मन कर साइन जीरो रो मूल्य टा होची जीरो साइन टू पाए रो मूल्य टा होची पुणी जीरो माने साइन निजर भैल्यूटा को प्रति 360 डिग्री परे रिपीट करुची तो आमे कहिबा जे साइन एक्स टा हेला गुटे पीरियोडिक फंक्शन जहार पीरियड टा होची केते 2 पाए कहीं कि आरो मीनिंग हेला मु जत्ते बेले एमती कहूची तारो मीनिंग हेला जे 2 पाए 2 पाए 2 पाए जदी आमे माने 360 डिग्री परे परे साइन निजर मूल्यटा को पुनी थरे फेरा पाइबो हला एक पीरियड रो कांसेप्टा अमर फिजिक्स रे अल्टरनेटिंग करंट रे भी अछि तो ए जिंसटा को भी तमे सही समय रे पढ़िबो से जिंसटा हला तो एटी आमे 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 कोन सिखिले कि गुटे फंक्शन को पीरियोडिक बोली केते बेले कोहा जिवो जत्ते बेले सही फंक्शन रे एक्स बदला रे एक्स प्लस टी आमे पकेबा आउ तार आंसरटा सही एफ ऑफ एक्स रो सहित समान हे जिवो सेइटु आमे जानिबा जे सही फंक्शनटा हला गुटे पीरियोडिक फंक्शन आउ टी को कहा जिवो तार पीरियड पीरियड माने जेतिकी समय भितरे से तार मूल्यटा को पुणी फेरा पाइबो सेटा को कहा जिवो तार पीरियड एग्जांपल हला साइन एक्स प्लस टू पाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स प्लस टू पाई is equal to cos x. What is the meaning? f of x plus 2 pi is equal to f of x se jauchi fx badla re jodi mu sin x nie au x jagar re x plus 2 pi pake die to answer moro sei sin x asuchi mane sei fx asuchi to mu kahi paribi eithi fx jagar re mu neithili sin x au f of x plus 2 pi पके दली तो आसीगला साइन एक्स प्लस टू पाए जोटा कि हला से साइन एक्स जोटा कि हला से एफ एक्स तो मु कहली ओ हो एटा जदि एमिती आसुची ता माने एफ एक्स को मु कहि पारिबी गुटे कोन
पीरियडिक फंक्शन एगुड़ा सब जनरल नॉलेज छुआ मैंने तुमको यहाँ जाणिकी रखा कथा यटार ना है कौन पीरियडिक फंक्शन ओके तो ये जदि पीरियडिक फंक्शन हो गला तो तार पीरियडटा के तो मुझे कह तार पीरियडटा है के टू पाए कहीं टू पाए कहीं टू पाए इंटरवल पर से तार वैल्यूटा को रिपीट करुचे दैट इज द मीनिंग ऑफ पीरियडिक फंक्शन एंड पीरियड ओके बुझीगला अच्छा जदि एटा होची तो आमर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आउ जोटा कि आमर लास्ट प्रॉपर्टी क्लास ट्वेल्थ रे आमर जोटा अच्छी से प्रॉपर्टीटा ए पीरियडिक फंक्शन उपरे बेस करी कि ना अच्छी सेटा को चलो टिके आमे देखी दबा तो से कौन कहूँ छुआ मैंने कि इफ एफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन नेक्स्ट प्रॉपर्टी हाँ प्रॉपर्टी नंबर 8 से कहूँ इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन माने कौन आम देखी सारी छे विथ पीरियड कैपिटल टी राइट देन आमर प्रॉपर्टी कहूँगी इफ एफ ऑफ एक्स इज ए पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड टी देन आमर प्रॉपर्टी कौन कहूँगी छुआ मैंने कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एन गुणन 0 टू टी एफ एक्स डी एक्स सब गुड़िक एटा फिजिक्स रे अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर रे दरकार पड़िबो आमे डिस्कस करिबा से जिनसटा हां तो 0 टू n इनटू t fx dx इज इक्वल टू n इनटू 0 टू t fx dx माने तमे देखिलो कि सेई टाइम पीरियड n थरो होउची माने करो मते दिया हिची 0 टू 10 दिया हिची आ मु पाइली जे ए फंक्शन रो पीरियड ता होउची 1 तो 10 भितरे 1 केते थर आसीबो 10 थर आसीबो तो मु इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 10 न करिकी मु कोन करबी 10 गुणन 0 टू 1 कर देबी ताले मोर इंटीग्रेशन करिवाटा टिके इजी हे जीव छ माने एटा हला मोर कांसेप्ट ए जगह रे तो यार गुटे क्वेश्चन टे देखिबा तमे बुझी पारिबो सही क्वेश्चन टा देखि साइला परे मने कर एमती अछि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 50 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 50 e to the power x minus greatest integer of x dx integration of 0 to 50 e to the power x minus greatest integer of x clear yes to ek question ta chho mane disuchi emti bujhibalo aro solution ta bahut hi sahaja मु कौन करी कि देख जनरली गोटे पिलाटे कौन करता ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आसी जाए जनरली से कौन करता आगे बुझे दूसरी ताकू केमती सर्ट्रे सेटा भी मुझे बुझेदेवी सी कौन करता जेहेतु ग्रेटेस्ट इंटीजर आसी जा मैंने आम गोटे सीधारे इंटीग्रेशन करानी आमको भांगी भांगिका करने पड़ो या मुझेली तुमको कहीं मॉड्यूलस नहले ग्रेटेस्ट इंटीजर आसीगले आमको से जिनसटा करबा को पड़िबो हला एबे देखो तो गुटे पिला करी थान तो ओ हो मते वर्तमान करबा पई पड़िबो 0 टू 1 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 टू 2 e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2 टू 3 ई टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स एमती करी करी लास्ट को इंटीग्रेशन ऑफ 49 टू 50 ई टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स डीएक्स करके करिया आपको पड़िबो काही कि मु एमती करबी मु एति पाई एमती करबी छुआ माने ए ग्रेटेस्ट इंटीजर टा पळे आसी छी आउ ए ग्रेटेस्ट इंटीजर पळे आसीले आर ओ इंटीग्रेशन आमे गुटे सीधा रे करि पारिबा नाही राइट ओके एटा हला ता परे पुणी 0 टू 1 भितरे ग्रेटेस्ट इंटीजर रो मूल्य टा होची 0 तो एठी मु 0 पकेबी तो खाली आसीबो केते 0 टू 1 ई टू द पावर एक्स माइनस 0 डीएक्स 1 टू 2 ई टू द पावर एक्स माइनस 1 इनटू डीएक्स काही की काहे कि ना एटी 1 टू 2 भितरे ग्रेटेस्ट इंटीजर रो मूल्य टा होची 1 तापरे एटा हबो 2 तापरे 3 तापरे 4 तापरे लास्ट को सेटी 49 पड़िबो तापरे सीक्वेंस सीरीज पड़िबो तापरे गुटे आसीबो तापरे आमे तार वैल्यू टा को बाहर करिबा तो ए क्वेश्चन टा डिफिकल्ट हे जिवो जद ए अप्रोच रे बाहर करी हबो डेफिनेटली बाहर करी हबो किंतु ए अप्रोच टा टिके डिफिकल्ट हे जिवो मो पई ऑन द अदर हैंड मु जे पीरियोडिक फंक्शन पई जो प्रॉपर्टी टा सिखी छी सेही प्रॉपर्टी नै कि जदि मु सॉल्व करबी देखिबो बहुत सहज सॉरी बहुत सहज भाबरे एटा हे जिवो तो केमिति हबो देखो छ माने आमे एटा को एमिति न करी कि ना केमिति करबा काटि दे छ अच्छा ना ना कोरोना नु एटा से चॉक गुंडाटा पसी गला हां तो अमर छ माने कोन हला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू केते हला ई टू द पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स एबे देखो जेहेतु ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अछि आउ तारो स्लैब एक एक करके अछि देखो 0 टू 1 एक 1 टू 2 पुनी एक 2 टू 3 पुनी एक 49 टू 50 पुनी एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर रो स्लैब टा केते लंबा अछि एक रो तो एठी मु गुटे रिस्क टे नै कि देखिबी कि एटा होछि कि f ऑफ x + 1 नै जिबी तो आसी गला e टू द पावर x + 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 1 जोटा कि हबो e टू द पावर x + 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 हे जिवो एटा आमे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रो प्रॉपर्टी रे पढ़ीथिले जते बेले आमे कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी करूथिले हला एबे कोन हबो छ माने देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 ता केते हबो 1 हबो तो हमरा केते आसी जिवो एटा e टू द पावर x प्लस 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 1 आउ 1 कटी जाउची एक्सक्यूज मी ताले छ माने एटी कोन हबो 1 आउ 1 कटी जिवो 1 आउ 1 कटी गला परे f ऑफ x प्लस 1 टा हे जिवो से e टू द पावर x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जोटा की हे जाउची f ऑफ x रो सहित समान तार मीनिंग टा हला कोन f ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू f ऑफ x देयरफॉर f ऑफ x इज ए पीरियोडिक फंक्शन एबे जस्ट आमे सिखितले f ऑफ x प्लस t जदि f ऑफ x सहित समान हे जिवो ताले सेटा को गुटे पीरियोडिक फंक्शन बोली कोहा जिवो आ तार पीरियड टा हबो t तो एठी पीरियड टा केते हे जाउची 1 तो एठी पीरियोडिक फंक्शन With period 1, with period 1. Okay, period जदि आरो 1 हला तो आमरो property पड़ी जिवो तो एटा है जिवो 50 into देखो कते सुविधा है जिवो मो पाई 50 थरो integration न करी की केवल थरे करी भी वर्तमान 0 to 50 थिला 50 भितरे ए 1 period टा 50 थरो आसुची 50 गुणन 1 माने हला 50 तो मु कोन करबी प्रॉपर्टी पके देबी n इनटू 0 टू t थिला तो 50 इनटू 0 टू 1
e to the power x minus greatest integer of x. आउ 0 to 1 भितरे greatest integer of x रो मूल्य टा 0 हुए कोई कि हमें जानी छे तो ए इंटीग्रेशन टा हे जीव 50 0 to 1 e to the power x dx. e to the power x रो इंटीग्रेशन हला से e to the power x तो ये हे गला 50 e to the power x fundamental theorem of integral calculus. तो 50 e to the power 1 minus e to the power 0 तो total answer आसिला केते 50 e minus 1. This is nothing but your answer. तो एई question टाकु जद्धी तमें एटी periodic रो property न पके पारिथान तो periodic function रो property न पके थिले 50 थरो integration 50 टा integration तमको करिया पई पड़ी थान्ता sequence series पके आपके पड़ी थान्ता बहुत जिनस करिया आपको पड़ी थान्ता जबकि आमे देखिले जे गुटे प्रॉपर्टी टे मो पाखरे रेडीली अवेलेबल अछि आमरो फंक्शन टा सही टेस्ट को सैटिस्फाई करि गला आमे संगे संग सही प्रॉपर्टी पकेई कि दुई तीन लाइन रे आमे से आंसर टा को बाहर कर देले. आर यू क्लियर छो माने? सो विद दिस वी कंप्लीट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रल इन टुडेस लेक्चर. राइट, नेक्स्ट क्लास रे मु आउ गुटे क्लास ने भी डेफिनाइट इंटीग्रल रो जोठी की मु तमरो एक्सरसाइज टाकु सॉल्व कर देबी. एक्सरसाइज क्वेश्चन गुडी को परीक्षा रे निहाती पड़िबो. आज ही जाय सब वर्ष पढ़ी आसी छी, ए वर्ष भी पड़िबो. तो सेति पई हां जेबे भी परीक्षा हबो ए वर्ष पड़िबो से जिंसटा. तो सेति पई आमे एटा को भलो से टिके प्रैक्टिस करिवा. तो आउ गुटे लेक्चर परे हमर इंटीग्रेशन टा पूरा डिटेल्स रे कंप्लीट हे जिवो. काहे कि 40 40 टा लेक्चर केबे भी इंटीग्रेशन रे हुए नै. आमे माने एटी डिटेल्स रे करू छु कहि कि छ माने एटा टिके लंबा हो छी. राइट, तो आउ गुटे क्लास भितरे मु चेष्टा करबी जे हमर इंटीग्रेशन टा कंप्लीट कर देवा पई. टिल देन keep practicing. We will stop for today. Thank you very much. God bless you.